आग बुझे किस्मत मेरी मेरे साथ नहीं, डेविल ने पकड़ा है अब मेरा हाथ भाई। होता सवेरा पर मुझे कोई होश नहीं, हटकी है सोच वही दिक्कत है। किस किस ने अभी तक धीरवंशक का ए वाला वीडियो देखा है? तो उसने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर दो ऑफिशियली म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है, एक सलोनी आपा टापा के साथ और दूसरा सिंगल। तो सिंगल जो वीडियो उसने बनाया है तो उसमें 2.40 सेकेंड में एक इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस इफेक्ट को रिक्रिएट करने वाले इफेक्ट ही बोलेंगे, और सिनेमेटिक इफेक्ट सिनेमाइजर में सिनेमेटिक बार इफेक्ट है। ओके, तो इस इफेक्ट को आप कैसे क्रिएट करेंगे वही आप लोगों में बताने वाला हो, और आगे मैं कुछ वीडियो को प्लान बना रहा हूँ जो आप क्रिएटिवली सिनेमेटिक बार अपने वीडियो में यूट्यूब वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह की सिनेमेटिक वीडियो में। ओके, और वही तो चले मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाते। तो मैं शायद इंट्रो कहना भूल गया। ओके, तो इंट्रो कह देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस तरह की इफेक्ट आप अपने मोबाइल से कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो चले मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोनों वीडियो को मैंने कैनमास्टर पे इंपोर्ट कर लिया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस वीडियो के ऊपर मैं इफेक्ट क्रिएट करके दिखाने वाला, तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो इसका साउंड मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक पता है इसका वीडियो उसका जो सॉन्ग है उसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो उसको प्ले करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। ओके, तो यही वाला इफेक्ट आप लोगों को मैं क्रिएट करके दिखाने वाला हो, मतलब क्रिएट करके दिखाने वाला हो। ओके, तो इसको म्यूट कर देते हैं, उसके बाद इसमें लगाएंगे इफेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ में लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, उसमें जाके यहाँ से सॉलिड कलर एक ले लेंगे। ओके, सॉलिड कलर लेने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फुल कर देंगे। फुल करने के बाद इस तरीके से साइड में ढकेल देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो 4:3 रेशो में वीडियो जो फुटेज है, तो हमारा जो पुराना ट्रिबी का ट्रेडिशनल जो स्टाइल था, रेजोल्यूशन था, तो कुछ इसी टाइप के था। तो फिलहाल जो आजकल जो फिल्म लुक आ रहा है तो कुछ इसी स्टाइल से। ओके, तो उसने वाइड एंगल लेंस से अपना वीडियो शूट किया है, तो मेरे पास तो वाइड एंगल नहीं है, मेरा मोबाइल का जो डिफॉल्ट कैमरा का जो लेंस है उससे ही मैंने शूट किया है। तो उसको क्या करेंगे, तो इसको तो मैंने मीडिया में जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके यहाँ से क्या करेंगे, इस साइड में इस तरीके से ढकेल के इस तरीके से रख देंगे। ओके, तो इतना ही आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके होगा, तो इस तरीके का फुटेज हो जाएगा। तो और चाहे तो थोड़ा इस तरीके से कर देता है, एक मिनट रख के। तो इस तरीके से कर दिया, उसके बाद क्या करना होगा आप लोग को बता दूँ। यहाँ पे लेयर में क्लिक करेंगे, ओवरले में क्लिक करेंगे, और गेट मोड में जाके आप ए वाला, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा इफेक्ट आप लोग डाउनलोड करते हो। ये सिनेमेटिक फ्रेम वाला इफेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो हमने जो लेयर में जाके ऐड किया था उसको पहले सेट कर लेते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ था, तो आप मार्क कैसे करेंगे आप लोगों को बता दूँ। तो इसमें देखिए अंडू कर लेते हो पहले। ओके, अंडू करके क्लियर ऑल मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जहाँ से इफेक्ट देना चाहते हैं तो इसमें ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद साइवेल आइकन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से ढकेलेंगे। ढकेलने के बाद उसको इस तरीके से हाइड कर देंगे। ओके, तो फिर से हम नीचे भी उस इस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सेम फ्रेम में आ जाएंगे। सेम फ्रेम में आने के बाद नीचे वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस आइकन में, सॉरी साइड वाला आइकन में क्लिक करके यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और उसको ढकेल के कुछ इस तरीके से कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर में जाएंगे, आप लोगों को जो सिनेमेटिक फ्रेम डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला था तो उस फ्रेम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। ऐड करने के किस तरीके से आप सेटिंग मिलेंगे आप लोगों को बता दूँ। तो इसमें क्लिक करेंगे, इस तरीके से आखिर में आएंगे, आने के बाद इस सिनेमेटिक फ्रेम में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइड वाला आइकन में क्लिक करके यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद बैक जाके उसको इस तरीके से कर दीजिएगा। ओके, जूम आउट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं साउंड के साथ आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो सेम इसी तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेटिंग है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ, म्यूट करके आप लोगों को मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिए 4:3 फ्रेम डायरेक्ट जाके 18:9 या फिर 20:1 हो गया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 4:3, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से स्मूथ ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो पिंक कलर एडिट किया है, तो अगर आप लोग कलर ग्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप जो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हो किस तरीके से आप मोबाइल से सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोग वही दिखाएंगे। तो उसके साथ मैच करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, तो क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, मीडिया में जाके यहाँ पे सॉलिड कलर ले लूँगा, लाइन कट कलर में जाऊँगा, उसको पिंक कलर से फिल कर दूँगा और कुछ इस तरीके से कर दूँगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, करके इसका ऑपोजिट कुछ इस तरीके करके इसको फुल कर देंगे। तो
यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे पिंक 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 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। तो इतना ही, तो आप इस तरीके से ऐसे धीरमंशी का वीडियो, मतलब जो इफेक्ट है सिनेमेटिक बार वाला इफेक्ट, इस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे शेयर में क्लिक कीजिएगा, अपने मुताबिक फ्रेम रेट रख के, बिट रेट रख के एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ पसंद आएगा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे शायद आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, तो मैंने इसी सॉन्ग पर कुछ इस तरह के ऐसे ही बकचोदी करके वीडियो बनाया है। तो अधूरा सा लागे है हर पल ये जीना, न लागे है मन मेरा तेरे तो बिना, तुझसे ही प्यार बस मैंने किया ना यकीन, तो देख ले सो चीर के सीना। अधूरा सा लागे है हर पल ये जीना, न लागे है मन मेरा तेरे तो बिना, तुझसे ही प्यार बस मैंने किया ना यकीन, तो देख ले तो चीर के सीना। कहीं तुम मुझसे दूर हो के यू खफा, रोता दिल ढूंढे अब तुझे हर जगह, तेरे हिस्से के गुलाब सूख गए हैं, तरस के आधे तेरी ही सताए, जब मैं बादल ये बरसते बूंदे पड़ती मिट्टी पे, उसमें भी मैं तेरे हुस्न का ही रंग ढूंढूं, जिस्मों के सब यहाँ खेल खेल मैं आज भी गैर से आंखें मूंदूं। इस वीडियो के लिए तो लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी मेरा जितने भी नया वीडियो आएगा सब सबसे पहले सबसे जल्दी देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो दोस्तों।